नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लकी फार्मिंग लीडर में। मेरे प्यारे किसान दोस्तों, बदलते मौसम में हम अपने पशुओं का चारा भी बदलते रहते हैं। ऐसे में जब हम अपने पशुओं का चारा बदलते हैं और फिर हमारे पशु उन चारे को एक बैग यानी कि एक लगातार खा लेते हैं, खाने के बाद उनके पेट में दिक्कत आ जाती है या फिर अफारा रोग हो जाता है, उनका जो पेट है पेट फूल जाता है, इसका क्या इलाज है आज हम बात करेंगे। चाहे वो बकरी हो, चाहे भैंस हो, चाहे वो गाय हो, तो इसका आज हम इलाज बताएंगे। इसका इलाज बहुत ही अच्छा है, आइए देखते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो शेयर कर दें अन्य सभी किसान भाइयों तक, जिससे उन्हें भी इस प्रकार का वीडियो मिले और उन्हें मदद मिल सके अपने पशुओं के लिए। मेरे प्यारे किसान दोस्तों, आज हम बात करेंगे नींबू का हमारे जीवन में कितना महत्व है, नींबू हमारे लिए हमारे पशुओं के लिए कितना लाभकारी होता है। मेरे प्यारे किसान दोस्तों, जब आप बदलते मौसम में अपने पशुओं को चारा खिला रहे हैं तो इतना ध्यान दें कि पहले दिन थोड़ा थोड़ा करके अपने पशुओं को खिलाएं, एक बैग ज़्यादा ना खिलाएं, जिनकी वजह से भी हमारे पशुओं में इस प्रकार की समस्या देखने को मिल जाती है कि बदलते मौसम में हम एक बैग ढेर सारा चारा खिला देते हैं या फिर हमारे पशु ढेर सारा चारा खा लेते हैं और पशु के पेट में गैस बन जाती है, पेट फूल जाता है। उसके बाद अगर इस प्रकार की समस्या, अफारा रोग की समस्या आपके पशुओं में देखने को मिले तो आपको आपके घर में, आपकी रसोई घर में ही इसका इलाज मिल जाता है। आपको सबसे पहले ले लेना है 250 ग्राम नींबू का रस, 250 ग्राम नींबू का रस आपको ले लेना है। उसके बाद लेना है 10 ग्राम काली मिर्च का पाउडर, उसके बाद लेना है 10 ग्राम सूखी अदरक यानी कि सौंठ, जो हमें हमारे घरों में ही मिल जाती है, 10 ग्राम सूखी अदरक यानी कि सौंठ का रस या फिर उसका पाउडर। उसके बाद हमें ले लेनी है 10 ग्राम हींग, उसके बाद उसमें थोड़ा सा काला नमक भी हम डाल सकते हैं। इन सभी सामग्री को आप आधा लीटर पानी में, गर्म पानी में घोल लें, घोलने के बाद अपने पशु को पिलाएं। ये मात्रा जो है आप अपने पशुओं के अनुसार ज़्यादा कम भी कर सकते हैं, जैसे आपका पशु छोटा या बड़ा हो उसके अनुसार आप इस मात्रा को कम या ज़्यादा करके हिसाब से ही अपने पशु को दें। देने के बाद सुबह शाम दें, एक खुराक में हमें आशा है कि आपके पशु का जो पेट में गैस बनने की समस्या है ये दूर हो जाएगी। अगर फिर भी नहीं होती है तो आप दिन में दो बार इसे पिला सकते हैं, पिलाएंगे, पिलाने के बाद आपके पशु का जो पेट में गैस बनने की समस्या शुरू हो गई है ये सही हो जाएगी, आपके पशु का चारा सही से पचने लगेगा, आपका पशु स्वस्थ हो जाएगा। मेरे प्यारे किसान दोस्तों, इसके बाद आप फिर भी अगर कोई समस्या देख रहे हैं, कोई दिक्कत आपको लग रही है, तो आप डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। ये छोटी छोटी जानकारी हम आप लोगों तक इसलिए पहुंचाते हैं क्योंकि जब कभी हमें डॉक्टर को बुलाने में देर हो जाती है या फिर उस समय डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते हैं, डॉक्टर मिल नहीं पाते हैं, तो उस समय हमें क्या उपचार करना चाहिए पशुओं के लिए और रामबाण उपचार क्या करना चाहिए पशुओं के लिए, ये जानकारी हम आप लोगों तक पहुँचाते हैं। इसके बाद आप डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे किसान दोस्तों, यदि आपके दिमाग में कोई विचार है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद, नमस्कार।